हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन राइट ऑन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट और टॉर्क आल्सो। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए बच्चों, इस प्रॉब्लम को करते हैं। सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन। द क्वेश्चन इज टू चार्जेस वन ऑफ प्लस 5 माइक्रोकुलम एंड अनदर ऑफ -5 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं डायपोल मोमेंट को। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था बच्चों, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, दिस इज -Q एंड दिस इज +Q एंड दिस इज सेंटर O। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। सो हियर वी हैव टू चार्ज, वन इज ऑफ +5 माइक्रोकुलम एंड वन इज ऑफ -5 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 1 मिलीमीटर अपार्ट। सो टोटल डिस्टेंस 2A, बच्चों 2A की वैल्यू कितना दे रखा है, 1 मिलीमीटर। So that is equal to 1 × 10⁻³ meter. Calculate the dipole moment. So dipole moment का क्या formula सिखाया था बच्चों मैंने? So dipole moment is given by P is equal to Q into 2A. So Q की value क्या है बच्चों, 5 microcoulomb. और 2A कितना है, 1 मिलीमीटर। सो 10⁻³ meter. सो माइक्रो कूलम मीन्स वॉट, 10⁻⁶ एंड 10⁻³। सो दिस विल बिकम 5 × 10⁻⁹ meter, ठीक है। सो डायपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर बच्चों हो जाएगी और मीटर नहीं होगा, कूलम मीटर होगा, ठीक है। यूनिट जो होगी बच्चों, दैट विल बी कूलम मीटर. So we can write here dipole moment P is equal to 5 × 10⁻⁹ coulomb meter. So this is the value of dipole moment. ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉब्लम करते हैं बच्चों। लेट अस राइट डाउन अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। एन इलेक्ट्रिक डायपोल is placed at an angle of 60 degree with an electric field of magnitude 4 × 10⁵ newton per coulomb. It experiences a torque of 8√3 newton meter. If the length of dipole is 4 centimeter, determine the magnitude of either charge of the dipole, of either charge of dipole. बच्चों चलिए इस प्रॉब्लम को करते हैं। दिस प्रॉब्लम इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों।
सो एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. सो हियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी इन दिस डायरेक्शन एंड माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. सो दिस इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड. बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम एंड इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क. टॉर्क भी दे रखा है बच्चों, टॉर्क का मैग्नीट्यूड है 8√3 न्यूटन न्यूटन मीटर. टॉर्क का यूनिट होता है बच्चों न्यूटन मीटर. सो दिस इज ऑल्सो गिवेन इफ द लेंथ ऑफ द डायपोल इज 4 सेंटीमीटर. बच्चों ये जो टोटल लेंथ है बच्चों, डिस्टेंस जो है 2a की वैल्यू दे रखा है. सो 2a इज गिवन टू यू एंड दैट वैल्यू इज 4 सेंटीमीटर. अगर इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले बच्चों तो 4 × 10⁻²⁰ मीटर हो जाएगा. नाउ डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्ज ऑफ डाइपोल. सो सबसे पहले बच्चों हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं. टॉर्क इज इक्वल टू पीई इंटू साइन थीटा. सो टॉर्क की वैल्यू हमें पता है, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम. टॉर्क की वैल्यू है 8√3 और P की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेट इट बी. और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ बच्चों 4 × 10⁵ और साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री. बच्चों साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 बाय, यहाँ पर अगले पेज में लिखेंगे बच्चों. सो दिस इज 8√3 एंड पी इंटू 4 × 10⁵ और साइन 60 डिग्री होता है बच्चों √3/2. साइन 60 डिग्री इज √3/2. सो यहाँ से देख सकते हैं बच्चों, इधर √3 है, इधर √3, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा. यह 2 से 4, 2 2 जा में ये कैंसिल हो जाएगा. सो पी इक्वल टू 8/, ये पूरा टर्म इधर आ जाएगा 2 × 10⁵. इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, सो दिस विल फाइनली बिकम, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए. सो दिस विल बिकम, जस्ट अ मिनट, ओके, ओके, आई हैव टू इरेज दिस पार्ट. व्हाट हैपेंड? यस, सो ओके, इट इज लिटिल बिट प्रॉब्लम हियर. नो प्रॉब्लम, वी विल प्रोसीड विद द पेन ओनली. सो वी कैन सी हियर बच्चों, दिस इज 2 × 10⁵. सो 2 × 4 = 8 एंड ये बच्चों 10⁵ नीचे ऊपर जाएगा तो −10⁻⁵. सो पी वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 × 10⁻⁵. 4 × 10⁻⁵, राइट? सो दिस इज 2 2 जा एंड दिस इज 2 4 जा, राइट? सो 4 × 10⁻⁵. अच्छा बच्चों, पी डायपोल मोमेंट होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है? Q into 2A. सो इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कीजिएगा. P इक्वल टू Q into 2A. सो दिस विल बी Q into 2A एंड दिस वी कैन राइट 4 × 10⁻⁵. अच्छा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यू कैन सी हियर कि ये जो वैल्यू हम लोगों ने Q की वैल्यू जो प्रॉब्लम में बच्चों कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस कितना दे रखा है दोनों के बीच का 4 सेंटीमीटर. सो 4 × 10⁻ डिस्टेंस 2a की वैल्यू दे रखा है. सो Q दिस इज 4 × 10⁻², एंड दिस इज 4 × 10⁻⁵. सो 4 4 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. सो Q इक्वल टू 10⁵−5/10⁻². इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, दिस इज 10⁻³ कूलम. सो एक चार्ज की वैल्यू जो होगी बच्चों, ये जो डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज का, तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या आ गया बच्चों? सो क्यू इज 10⁻³ कूलम. सो ईच चार्ज हैज अ वैल्यू ऑफ 10⁻³ कूलम और यू कैन राइट 1 मिली कूलम. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज. ठीक है बच्चों, सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.